For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सीरियल ये रिश्ते का कहलाता है कि एक बार फिर से नई अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हो सकता है कि शो में 3 साल का लीप आ जाए। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि नायरा की याददाश्त चली गई है, ऐसे में पूरा परिवार काफी परेशान है। वहीं कृति को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि नायरा की याददाश्त अगर कोई वापस ला सकता है तो सिर्फ त्रिशा, क्योंकि कृष्ण के बगल में रहते ही कीर्ति की भी हालत ठीक हो गई थी। ऐसे में कीर्ति भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है, लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद सबको डबल खुशी मिलने वाली है। जी हाँ, मिली खबरों की माने तो इस बार एंड वक्त पर गोयनका हाउस में होने वाली है नर्स की एंट्री, और ये नर्स बताएगी कि कार्तिक और नायरा का बच्चा जिंदा है। और ऐसे में कार्तिक और नायरा की बेटी ही नायरा की जिंदगी पूरी तरह बदलेगी, यानी उसकी अपनी बच्ची ही उसकी याददाश्त वापस लाएगी। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अगर ये खबर सच हो तो किस तरीके से नायरा की याददाश्त वापस आती है, किस तरीके से नायरा की जिंदगी उसकी बेटी पूरी तरह बदल देती है। कल इन सारे सवालों का भी जवाब हम आपको देंगे, लेकिन अगली अपडेट में। फिलहाल के लिए इतना ही। ये रिश्ता से रिलेटेड तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से स्वाति रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।